नागरिक बस गए हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है। अमेरिकन एम्बेसडर मुझे मिले थे तो मैंने उनको सवाल पूछा था कि पहले आप बताइए कि आपका जो 11 सितंबर का 9 साल पहले हुआ था उसके बाद एक भी आतंकवादी घटना आपके देश में नहीं हुई है और हमारे यहाँ तो सिलसिला चालू है और आप हमको शांति की मार्गदर्शन करके हम पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए कहते हो, पहले ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान को रोकने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? अगर आपका इंटेंशन अगर टेररिज्म के खिलाफ सही है और वर्ल्ड कम्युनिटी चाहती है कि टेररिज्म से हमें लड़ना चाहिए तो आप पाकिस्तान को स्टॉप क्यों नहीं करते? ये जो मुंबई में पड़ी हुई डेड बॉडी है कहाँ की है, कौन से गांव की है पता चला है? ये कसाब कौन से गांव में रहता है पता चला है? क्यों नहीं पाकिस्तान इनको पकड़ते? आज भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड घूम रहे हैं, उनके अखबार निकल रहे हैं और हेडली ने क्या कहा यूएसए में, हेडली ने कहा है कि आईएसआई के मेजर्स, हेडली ने किए हुए जवाब को जो बताया गया है उसमें काफी बातें सामने आई कि उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का भी आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध है। मैं नहीं कह रहा हूं, हेडली कह रहा। इसके बावजूद हमारी सरकार की नीति है कि हमारे विदेश मंत्री वहां गए और पीट कर वापस आए, अपमानित होकर वापस आए। और मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर द कंट्री। गुजरात गवर्नमेंट इज चूजन फॉर ए डिफरेंट होस्टाइल ट्रीटमेंट बाय सम ऑफ द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द वेरी इंटरेस्ट विच वॉन्ट द सोहराब्दीन केस एक्यूज टू बी पियन आर फाइटिंग केसेस टू गेट रिप्राइव फॉर टेररिस्ट। वी बिलीव दैट इट इज हाई टाइम टू इवॉल्व ए नेशनल डिबेट ऑन हाउ टू हैंडल इनकाउंटर किलिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक बार इसका डिबेट करिए और मारना नहीं तो वो तो भी निर्णय करिए। हमारे पुलिस वाले भी शांतता का बैनर लेके अपने साथ एक तरफ स्टिंगन और एक तरफ शांति का संदेश लेकर घूमेंगे टेररिस्ट के साथ, ऐसा करेंगे? लेट वी हैव सम पॉलिसी फॉर इट। अवर कंट्री नीड्स ए हाई डिबेट ऑन इट एंड ए पॉलिसी फॉर दैट। नाउ द इसराज जहन केस, इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग केस। ऑलरेडी आई हैव गिवन ए वन न्यूज आइटम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया टू यू ऑल्सो। काइंडली गो टू इट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। इसराज जहन केस, द स्टार्टलिंग फैक्ट्स डिस्क्लोज बाय डेविड कॉलमैन हेडली अबाउट रैज जहान हु वॉज किल्ड इन इनकाउंटर बाय द गुजरात पुलिस क्लियरली प्रूव्स वॉट द मोटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हु आर टारगेटिंग द गुजरात गवर्नमेंट इन सेवरल केसेस एंड ऑल्सो इन द सोहराब्दीन केस। रैज जहान वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर इन गुजरात अलॉन्ग विद थ्री अदर्स इंक्लूडिंग टू पाकिस्तानी सस्पेक्टेड टू बी एलिटी लक्ष्य तोयबा टेररिस्ट। नाउ डाउट्स आर बींग कास्ट ऑन द इनकाउंटर एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज बींग डिमांडेड। द वेरी कंडक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस केस बियर्स टेस्टिमोनी टू व्हाट इट इंटेंशंस आर इन द सोहराब्दीन। फर्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस इन द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल्ड एफिडेविट सेइंग दैट जेहान एंड हर एकॉम्प्लिस वेर एलईटी लक्ष्य तोयबा सस्पेक्ट्स एंड लक्ष्य तोयबा हैज Also own up a celebrated जेहान as the first लक्ष्य तोयबा लेडी जिहादी। जब घटना हुई तो उन्होंने उसको लेडी जिहादी फर्स्ट कहा उसको। When the demand for CBI probe against Gujarat police into the killing was made, the लक्ष्य तोयबा suddenly disowned जेहान as a जिहादी and forthwith acting in tandem with the लक्ष्य तोयबा, the central government filed affidavit in the Supreme Court disowning its earlier version that she was a terrorist। ये हुआ है, this is on record। This donates an anti-national old face by the central government in partnership with the लक्ष्य तोयबा was to facilitate a CBI probe into the encounter through a सोहराब्दीन case like probe on the killing of another terrorist accomplice against Gujarat government। ये होने वाला था। ये हेडली ने अमेरिका में अगर ये बयान नहीं दिया देता तो इसका भी केस बनकर सौरभ निजा करके फिर गुजरात सरकार को टारगेट करने की तैयारी हुई थी। एक बार एफिडेविट करते हैं कि वो आतंकवादी है, उसके दोनों लोग पकड़े हुए पाकिस्तानी है, ये लक्ष्य तोयबा के है, ये जिहादी है, आतंकवादी है, और दूसरे बार उसको डिसोन करके दूसरा एफिडेविट करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और अब जब हेडली ने यूएसए में बयान दिया है कि ये इर्शा, ये जो इरशद जो है ये जिहादी आतंकवादी है और ये लक्ष्य तोयबा की थी, और मैं आगे आपको बताता हूँ
कि उसके माँ ने कहा था कि वो अत्तर वाले के पास सर्विस करती थी और इसलिए दुबई में वो गया था। वो उसका नाम पिल्ले था, एक्चुअली दूसरा नाम है, और वो भी टेररिस्ट करके पता चला है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सीबीआई के रिकॉर्ड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो दुर्भाग्यवश राष्ट्रद्रोही टेररिस्ट जो है, आतंकवादी है, उनको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करके किस प्रकार की स्टोरी बनाई जा रही है फ्रॉम कांग्रेस पार्टी से और सीबीआई से, यूपीए से, 10 जनपद के मार्गदर्शन में, इसका ये पुरावा है। सीबीआई प्रोब इनटू द इनकाउंटर डू ए सोरबदीन केस लाइक प्रोब ऑन द किलिंग ऑफ एंड अ टेररिस्ट एकम्प्लिस अगेंस्ट गुजरात गवर्नमेंट नाउ कम टू एंटी क्लाइमैक्स। हेल्डी हु इज वन ऑफ द प्रिंसिपल सस्पेक्ट इन द 26/11 मुंबई टेरर अटैक एंड लेटर ऑन इन पुणे स्पीड द बीन्स सेइंग दैट रैट वॉज इन डीड एंड लक्षर ए तोयबा रिक्रूट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट मर्ड एंड एग्ज ऑन इट फेस इट्स अटेम्प्ट अलॉन्ग विद द लक्षर ए तोयबा टू प्रोटेक्ट द टेररिस्ट इन द रैट केस एट बोमग्रैंड ऑन इट्स बिकॉज ऑफ हिज हेल्डीज कन्फेशन। हेल्डी ने कबूली जवाब दिया इसलिए भाई अभी एक्सपोज हो गए। Even without this specifies in the absence of a national policy on encounter killing, singling out Gujarat encounter speaks for itself. The BJP demands that there has to be a national policy on encounter killing which will clearly spell out the norms for encounters as well as probe into them. As otherwise, the officials will stop acting against terrorists even if they need to, which will put the nation at risk. The BJP has an apprehension that Amit Bhai's arrest is not the end of the story. These are stories against floated by the CBI, which shows that it has further agenda against more BJP leaders. The CBI seems to be planning to involve some BJP leaders in Rajasthan and also target Narendra Modi himself, who Congress knows cannot be defeated in a democratic elections. लोकतांत्रिक पद्धति से गुजरात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा नहीं सकते, क्योंकि उस समय 2007 में इन्होंने सोहराबुद्दीन को हीरो बनाया था और मोदी जी को मौत का सौदागर भी कहा था। इसके बावजूद भी गुजरात में इनका डिफीट हुआ है, इसलिए ये नई स्ट्रेटेजी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए सीबीआई को पकड़ के कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। द टेररिस्ट सोहराबुद्दीन वॉज मेड इन टू ए नेशनल हीरो बाय द कांग्रेस इन द असेंबली इलेक्शन इन गुजरात एंड नरेंद्र मोदी वॉज ऑल्सो अब्यूज एज ए मौत का सौदागर। The people of Gujarat gave a fitting response to the treacherous falsehood. Now the Congress is taking revenge on Gujarat and Narendra Modi by employing the CBI in a desperate attempt to prove the false charges and it had made against Narendra Modi in the last election. But the BJP will face the legal challenges presented by the Fabricated Prosecution Court of Law. Amit Shah के खिलाफ जो झूठी केस है, हम न्यायालय में लीगल केस लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि उसमें से निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा। आई डिक्लेयर दैट द बीजेपी ऑल्सो एक्सेप्ट द पॉलिटिकल चैलेंजेस थ्रोन बाय द कांग्रेस एंड विल टेक द इश्यू टू द पीपल ऑफ इंडिया। हम जनता की अदालत में जाएंगे और इसकी सच्चाई जो है कि ये व्हाट द सेक्युलरिज्म वर्ल्ड मींस बाय कांग्रेस पार्टी इज द अपीजमेंट फॉर टेररिस्ट, अपीजमेंट फॉर सोहराबुद्दीन, अपीजमेंट फॉर इसरत एंड अपीजमेंट फॉर अफजल गुरु। दिस क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज। आई डिक्लेयर दैट बीजेपी ऑल्सो एक्सेप्ट द पॉलिटिकल चैलेंज थ्रोन बाय द कांग्रेस एंड विल टेक द इश्यू टू द पीपल ऑफ इंडिया। आई होल्ड द कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस होस्टिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रिंसिपल अपोजिशन।